तो गाइस काफी दिनों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइट हैकर में। तो गाइस काफी दिनों के बाद से हम एक नए सिरे से स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। इससे लिए आज हम एक धार्मिक स्थल नाथों के नाथ खाकनाथ जी के मंदिर जा रहे हैं। तो गाइस चलते हैं खाकनाथ जी मंदिर। पहुंच गए आखिर में खाकनाथ जी बाबा के मंदिर। और वो चीजें बताएंगे जो खाकनाथ जी बाबा यहाँ पर जो मोर बनकर पक्षी बनकर जो पत्थर पर बैठा था और जो बैठते ही जो पत्थर के दो टुकड़े हो गए थे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो हम चलते हैं अब अंदर की। सो गाइस ये आप ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं, ये ज़मीन से लगभग 40-50 मीटर की ऊंचाई पर है। सो गाइस ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ये चट्टान है, ये कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं आप। तो चलते हैं अब आगे की ओर। जी हाँ, तब तक आप ऐसा कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सो गाइस ये देख सकते हैं, ये है वो पत्थर जिसकी जूम कर दो लीर हुई थी। तो गाइस आइए आपको पास से दिखाते हैं। सो गाइस ये है वो पत्थर, ये आप देख सकते हैं, हम आपको पूरी तरह दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे थे मोर बनकर, तो वो जैसे ही बैठे थे तो यहाँ से इसके दो टुकड़े हुए थे इस पत्थर के। तो आप देखते हैं कितना बड़ा पत्थर। तो ये आप देख सकते हैं और यहाँ से ये कुछ ये ऐसा नज़ारा है, ये भी आप देख सकते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं ये गुफानुमा कुछ है और यहाँ पर एक मूर्ति भी है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं ये कुछ कुंड जैसा कुछ है और पहले शायद धूप पानी निकलता हो इसमें, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, हमने देखा अभी तक जहाँ पर नाथों के नाथ खाकनाथ जी जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान पर उस पत्थर की दो बड़ी इतनी जहाँ पर बीच में से दो टुकड़े हो गए थे, कितना विशाल पत्थर था हमने देखा होगा, कितना विशाल पत्थर, उसके बावजूद भी इतने बैठते इतने बड़े टुकड़े हो गए थे उसके, इतने बड़े मतलब टुकड़े दो टुकड़े हो गए थे। तो आप बड़ी रहस्यमय चीज़ें हैं, शायद आपने कहीं देखी हुई चीज़ें। सो गाइस आपने जैसा ये धार्मिक स्थल देखा है तो इसके बारे में हमें कुछ 1% ही जानकारी थी, वो हमने आपको बताई और हमने ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की आपको कोशिश करी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस टीम के आप फैमिली मेम्बर भी बन सकते हैं।